मम्मी जी मेरे हस्बैंड ने परसों आपको इतने पैसे दिए थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे थे, जब आप इधर खड़ी होकर ले रही थी ना, मैं किचन में खाना बना रही थी, मैं देख रही थी ऐसे करके। मम्मी जी पहले तो ठीक से पाऊंड मार, ये पता तुम्हें कोई बकवास मारनी होती है। मम्मी जी आपसे एक छोटा सा काम था, इतना सा किद्दू सा बोल। मम्मी जी एक मुझे मोबाइल लेके दे दे, कुछ गलत मांग लिया मम्मी जी मैंने? एक लात मारूंगी ना उड़ के अलमारी में शिफ्ट हो जाएगी तू। मम्मी जी एक मोबाइल लेके दे दें, आप तो सारा दिन मोबाइल देखती रहती है, मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ, जब मैं काम कर लेती हूँ घर के तो मैं फ्री हो जाती हूँ, तो मेरा भी दिल करता है मम्मी जी मोबाइल देखने को, तो मम्मी जी एक मोबाइल दे दो मुझे, दिलवा दो, या पैसा करो आप नया ले लो, ये पुराने वाला मुझे दे दो, दे दो ना पैसे मेरा साहब देगा। मम्मी जी दे दो ना मम्मी मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप, पागल भी ना आप हो गई हैं। नहीं मम्मी जी मैं ये कह रही हूँ आप नया मोबाइल ले लें, ये पुराना हो गया है, ये पुराना हो गया। मम्मी जी आप नया मोबाइल ले लें। आपके नीचे कर कान पर, सॉरी मां, सॉरी मम्मी जी सॉरी। आई ना मुझसे कभी ऐसे बात ना करें। मम्मी जी चले आप ऐसा करें, आप दफा करें फोन को भी, आप ऐसा करें आप मुझे ना 10,000 रुपया दे दे, ईद आ रही है, मैंने शॉपिंग करनी है, मैंने एक जूती लेनी है, एक मैंने सूट लेना है बड़ा प्यारा, मैंने ईद पे सिलवा के डालना है, दे दे मम्मी जी प्लीज। मेरे बाप ने जब भेज भी मुझे पैसे दिए हैं। मम्मी जी मेरे हस्बैंड ने परसों आपको इतने पैसे दिए थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे थे, जब आप इधर खड़ी होकर ले रही थी ना, मैं किचन में खाना बना रही थी, मैं देख रही थी ऐसे करके, आपने पैसे लिए और आपने फटाफट पैक कर लिए। वो मेरा बेटा है, उसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, उसके पैसे मैंने ही खाने कमाए उसकी मैंने। मम्मी जी अगर आपका बेटा तो मेरा भी तो हस्बैंड है, मेरा भी तो हक बनता है मम्मी जी। कल के लोने मुझे सिखाएगी है, है? अब मम्मी जी आप पुरानी लौंडी है, मैं नई लौंडी हूँ, तो मेरा हक पहले बनता है, आप पुरानी लौंडी है, मैं नई लौंडी हूँ। मम्मी जी बात सुने ना मम्मी जी, अब अगर मैं पुराने कपड़े डाल के ईद मनाऊंगी, आपकी दोस्ती आएंगी, वो देखेंगी, आपकी रेपुटेशन पे फर्क जाएगा ना, वो कहेगी तेरी बहू ने तो पुराने कपड़े डाले हुए, अगर मैं नए कपड़े डालूंगी तो वो आपकी तारीफ करेंगी, कहेंगी वाह वाह तेरी बहू ने तो नए कपड़े डाले हैं, तो इस वजह से आपकी इज्जत की खातिर मैं कह रही हूँ, वरना मुझे तो कपड़ों की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए कह रही हूँ। नहीं उनकी खुद की बहू ऐसे नहीं है, नए कपड़े मुझे मेरी नहीं इज्जत चाहिए, तू बस कपड़े ना मांगी है। मम्मी जी मेरी बात सुने, अगर आप मुझे कपड़े लेके देंगी आपकी कितनी इज्जत होगी, या आप मुझे मोबाइल दे के देंगी फिर भी आपकी कितनी इज्जत होगी, सब लोग कहेंगे वाह वाह इसने अपनी बहू को मोबाइल लेके दिया है, या इसने अपनी बहू को कपड़े लेके दिए, कितनी आपकी इज्जत होगी, कितनी वैल्यू होगी आपकी, आप मुझे कपड़े ले देंगी ना, मैं सबको दिखा दिखा के बताऊंगी, मैं कहूँगी ये देखो मेरी माँ जी ने ना मुझे सूट लेके दिया, ये देखो 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 मुझे माँ जी ने ना सूट लेके दिया, तो फिर माँ जी देखे ना आप मेरी तरफ, देख तो नहीं एक दफा मेरी तरफ, देखती क्यों नहीं है आप, मार खाने मम्मी जी मार, आप क्यों इतना मारती हैं मुझे, इतना मारा ना करें। आज तूने ना मार पड़ने लगी है मुझे। मम्मी जी आप हर वक्त मुझे मारती रहती है, मेरी अपनी मम्मी भी इतना मुझे नहीं मारती जितना आप मुझे मारती हैं, और मैं आपकी शिकायत भी नहीं लगाती हूँ अपने हस्बैंड को। अच्छा मम्मी जी आप ऐसा करें, चले आपको कपड़ों को भी छोड़े, हर चीज को छोड़े, मम्मी जी आप ऐसा करें, आप ना मुझे ना एक ना वो जो होती है ना, वो जो कान में लगाते हैं हैंड फ्री, वो मुझे लेके देते, कभी कभी आप सो जाती है ना तो मैं आपका मोबाइल देखती हूँ, तो आप जाग ना जाए इसलिए मैं आवाज़ स्लो कर देती हूँ उसकी, तो मैं हैंड फ्री ला के सुनूंगी ना, आप उठेंगी भी नहीं और मैं अपना इजीली मोबाइल भी देख लिया करूँगी, आप मुझे एक हैंड फ्री लेके दे दें। हाँ सही, मैं अपनी हैंड फ्री भी लेके दूँ तुझे, 300 रुपये भी जाया करूँ, मोबाइल भी दे दूँ तुझे, रात को आराम से देखा करी ना है ना।